हेलो दोस्तों, आज की कहानी है संस्कार। आरती ने अपनी सास से बोला, माँ जी आज क्या बनाऊं खाने में। श्यामा जी बोली, पूछ तो ऐसे रही है जैसे रोज हमसे ही पूछकर खाना बनाती है। आरती ने कहा, जिस दिन पापा जी मंडी जाते हैं तो मंडी से एक साथ कई सब्जी लाते हैं, तो हमेशा पूछकर ही बनाती आई हूँ। जब आप लेती हैं तो एक ही लेती हैं, उसमें भला क्या पूछना। श्यामा जी, जबान तो कैंची जैसी हो गई है इसकी, देखो तो कैसे जवाब देती हुई हर वक्त चलती रहती है। जैसे संस्कार दिए हैं मायके वालों ने, वैसे ही तो दिखाएगी यहाँ। ना खाना बनाना आता है और ना घर के काम आते हैं, बस बहस करवा लो महारानी से। आरती बोली, माँ जी आप मेरे संस्कार की बात ना करें, मुझे भी आपसे बहस नहीं करनी। बताना है तो बताइए, नहीं तो और भी काम है मेरे पास। बच्चे आते होंगे स्कूल से। आरती इतना कहकर रसोई घर में चली गई। ये आरती के ससुराल में रोज होता है। उसके और अशोक के विवाह को 10 साल पूरे हो चुके हैं। 10 साल तक चूभी नहीं किया आरती ने। बस सुबह से शाम तक सास ससुर देवर नंद पति बच्चों की खातिरदारी में ही लगी रहती। देवर का अभी पिछले साल विवाह हुआ। देवरानी ऐसी आई कि एक साल में ही सास से तंग आकर देवर के साथ अलग रहने लगी। उसमें भी सास को आरती ही बुरी लगती। श्यामा जी कहती, छोटी बहुरिया पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है वहाँ, इसलिए चली गई घर से। कभी उसकी बुराई नहीं की, क्योंकि वो दहेज में आरती से दुगना पैसा जो लेकर आई थी। ऊपर से उसके पिता, बड़े भाई, छोटे भाई सभी सरकारी पद पर ऊंचे ओहदे पर थे। जब आते वो लोग तो हमेशा खूब सामान देकर जाते श्यामा जी को, जो श्यामा जी की जुबान बंद करने के लिए काफी होती। वे लोग कहकर जाते, श्यामा जी हमारी बेटी नाजुक है, इससे घर का काम नहीं होता, कहिए तो हम लगवा दे नौकरानी। और खूब जवाब देती है छोटी की बहू, पर मजाल है कि उसको एक भी सुनाई हो आज तक श्यामा जी ने, क्योंकि सामान और पैसे के लिए सब कुछ सुनने और सहने को तैयार थी श्यामा जी। दूसरी तरफ बेचारी आरती गरीब परिवार से थी, पिताजी किसान थे, उसके एक भाई वो भी मानसिक रूप से ठीक नहीं था, इस वजह से बेचारी को हमेशा ताने सुनने पड़ते। जब विवाह करके आई तो अशोक ने साफ कह दिया, मेरे छोटे भाई बहन अब तुम्हारे बच्चे जैसे हैं, इनके विवाह तक सारी जिम्मेदारी हमें ही निभानी है। आरती भी अशोक की बातों पर खरी उतरी। अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार दिया उसने देवर और नंद को। बच्चे भी उसके विवाह के 8 साल बाद हुए, क्योंकि अशोक को लगता था कहीं मेरे भाई बहन की तरफ आरती का ध्यान कम न हो जाए। वैसे तो अशोक आरती को बहुत प्यार करता था। उसी के सहारे वो श्यामा जी की करेले से भी कड़वी बातों को शहद की तरह घोलकर पीती रही। 1 साल पहले नंद रानी भी घर से विदा हो गई, पर सहते सहते आरती अब जवाब देने लगी थी। अब वो भी अपने शरीर मस्तिष्क को आराम देना चाहती थी। हर वक्त कितना सहे। आरती ने एक बात समझ ली थी, आप जितना जुल्म सहोगे लोग उतना ही आप पर जुल्म करेंगे। जिस दिन आपने आवाज उठाई उस दिन से कुछ कम हो जाएंगे। आरती खाना बना रही थी और अपनी सोच में गुम थी, तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। श्यामा जी बोली, एरी सुनाई नहीं पड़ रहा क्या, कब से घंटी बज रही है, बहरी हो गई है क्या, दिखता नहीं है मैं पूजा कर रही हूँ। श्यामा जी इतना कहकर अपना जाप करने लगी। आरती दौड़ती हुई आई और दरवाजा खोला। अरे सोनल आप, इस समय सब ठीक तो है ना। सोनल गुस्से में, अरे भाभी अंदर भी आने दोगी या सब बाहर ही पूछ लोगी। सोनल रोती हुई चिढ़कर बोली। अपनी बेटी की आवाज सुनकर श्यामा जी पूजा बीच में ही छोड़कर आ गईं। श्यामा जी बोली, सोनल सब ठीक तो है, रात के इस वक्त तू अकेली आई है या दमाद जी भी साथ हैं।
सोनल रोते हुए, माँ अनर्थ हो गया। आपकी बेटी को उसकी सास और पति ने मिलकर धक्का मारकर घर से भगा दिया और कहा, जा अपने मायके, हमें अपनी मनहूस शकल मत दिखाना आज के बाद। श्यामा जी गुस्से में बोली, इतनी हिम्मत उन दो कौड़ी के लोगों की? मुझे तो पहले ही पता था वो ऐसे ही हैं, पर अशोक के बापू कहाँ मानने को तैयार थे। कहते हैं बहुत संस्कारी लोग हैं, दिख गए उनके संस्कार। तू रो मत बिटिया, आने दे अशोक और तेरे बापू को, फिर देखती हूँ इन लोगों को। आरती बोली, माँ जी किसी भी फैसले पर पहुँचने से पहले सोनल से पूछ तो लीजिए कि बात क्या हुई। सोनल बताओ ना क्या हुआ। जीजा जी तो काफी सुलझे हुए सरल स्वभाव के हैं, मुझे नहीं लगता कि वो बेवजह इस तरह बदतमीजी से बात करेंगे आपसे। श्यामा जी, हाँ हाँ, तुझे तो मेरी सोनल ही गलत लगती है, जब से आई है बस हम माँ बेटी के पीछे पड़ी रहती है। आरती, माँ जी मैं सोनल से बात कर रही हूँ, आपसे नहीं, तो बेहतर है आप थोड़ा चुप रहें। तो बोलिए सोनल, क्या बात हुई? सोनल फफक कर रोने लगी, भाभी मेरी कोई गलती नहीं है, आप ही बताइए किट्टी पार्टी में जाने में भला क्या बुराई है, आजकल सभी लेडीज जाती हैं। मैंने बस इतना कहा, मैं किट्टी जा रही हूँ, मम्मी का खाना नौकरानी बना देगी, कोई जरूरत हो तो बता देना। आपके जीजा जी बरस पड़े, कहते हैं दिखता नहीं है माँ की तबीयत कितनी खराब है। तुम्हारा ये रोज रोज का बाहर जाकर पैसे खर्च करना मुझे पसंद नहीं, अब आप ही बताइए, उनकी माँ तो हमेशा से बीमार रहती है, तो क्या मैं अपनी जिंदगी जीना छोड़ दूं? बोलते हैं तुम जब से आई हो घर में नौकरानी का खर्चा, तुम्हारे अनाप शनाप खर्चे इतने हो गए हैं, मुझे छोटी की शादी भी करनी है, इन सब चीजों के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। मुझे भी गुस्सा आ गया, मैंने भी कह दिया, भाभी की कंकालों के घर शादी हुई है मेरी, मेरा तो कर्म फूट गया, एक बीमार सास, एक कंजूस पति और एक कुंवारी नंद के बीच पीस कर रह गई हूँ मैं। मैं ऐसे ही रहूंगी, नौकरी कर लूंगी पर अपने शौक नहीं छोड़ूंगी। बस इसी बात पर इतना सुनाया, भाभी नौकरी करनी है तो मायके में जाके करो, यहाँ माँ की सेवा करनी होगी, इसलिए मैं आ गई। अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी भाभी, कोई वहां मुझसे प्यार नहीं करता। आरती सोनल की पूरी बात सुनकर सोनल के आंसू पोंछते हुए बोली, ऐसा नहीं है सोनल की कोई आपसे प्यार नहीं करता, गलती आपकी भी है। श्यामा जी बोली, ये क्या बोल रही है तू, एक तो वो इतनी परेशान है और तू उसी को गलत बोल रही है, यही संस्कार दिए हैं तेरे माँ बाप ने तुझे कि अपनी नंद को उल्टा जवाब दे। माँ जी आप बार बार क्यों मेरे मायके और संस्कार को बीच में लाती हैं? और माँ जी आप संस्कारों की बात तो कीजिए ही मत, माँ जी ये आपके ही संस्कार हैं जिस कारण सोनल अपना स्वर्ग जैसा ससुराल छोड़कर लड़ झगड़ कर यहाँ आई हैं। अगर संस्कार दिए होते तो अच्छे बुरे की पहचान करना आता इन्हें, मैंने कभी अपनी नंद नहीं हमेशा बेटी माना है। जब मैं इस घर में आई थी तब 9 साल की थी सोनल, मैंने आपके बेटे से कहा भी था कि कितनी छोटी है मुझसे, उन्होंने कहा सोनल मेरी बेटी जैसी है, उसकी आंखों में कभी आंसू मत आने देना, और मैंने ऐसे ही किया। सोनल क्या गलत कहा जीजा जी ने? पता है आपको, जब मैं ब्याह के बाद आई यहाँ तब आपके भैया ने साफ साफ कह दिया, मैं कोई खर्चा नहीं दूंगा तुम्हें फिजूल के खर्च के लिए। मेरे सामने दो बड़ी जिम्मेदारी हैं, एक मेरे छोटे भाई बहन, पिताजी बीमार रहते हैं, आमदनी का जरिया सिर्फ मेरी छोटी सी नौकरी है, आप लोगों की देखभाल के कारण ही हम लोगों ने कोई बच्चा नहीं सोचा, पर रोज के माझी के ताने भी सहे, लगता है बांझ ही रहेगी ये, जरूर कोई कमी है इसमें तभी बच्चे नहीं हो रहे, अरे हमारे कर्म फूटे थे जो ऐसी बहू हमें मिली। तब मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंची, मैंने कह दिया आपके भैया से, समाज मुझे जीने नहीं दे रहा, अपना फैसला बदल दो, एक बच्चा कर लेते हैं, आपके भाई बहन की कोई अनदेखी नहीं होगी। तब जाकर सृष्टि मेरी गोद में आई,
दिन भर माझी के ताने घर के कामों में लगी रहती। शायद ही मैंने बाजार का रुख किया हो, मन मार कर रह जाती। अगर मैं भी आपकी तरह घर छोड़कर चली जाती तो क्या जो स्थिति इस घर की है वो होती? आप अच्छे से जानती होंगी। सोनल, क्या मैंने कभी आपको कुछ गलत समझाया या प्यार में कोई कमी रखी? आप बहुत किस्मत वाली हैं जो जीजा जी के रूप में आपको बहुत ही समझदार और प्यार करने वाला पति मिला है। आप यहाँ झगड़ा करके तो आ गईं, पर वहाँ जीजा जी की क्या हाल हुआ हो रहा है क्या आप जानती हैं? आपके घर से निकलते ही दौड़ते हुए आपके पीछे आए, पर तब तक आप गाड़ी से निकल चुकी थी। बता रहे थे आरती भाभी सोनल शायद आपके पास आ रही है, बहुत गुस्से में है, उससे कुछ मत पूछिएगा। वैसे ही बहुत परेशान है, गलती मेरी ही है, अपनी पत्नी की छोटी छोटी सी ख्वाहिश को भी पूरा नहीं कर पा रहा, बहुत असफल इंसान हूँ मैं। बस माँ को खाना खिलाकर दवाई देकर आता हूँ मैं सोनल को लेने। सोनल, क्या भाभी, क्या आप सच कह रही हैं? उन्होंने आपको पहले ही बता दिया था? मेरी कोई बुराई कोई गलती नहीं बताई, फिर आपने बताने में इतनी देर क्यों की? आरती बोली, मैं बस आपको समझाना चाहती थी कि रिश्ते खत्म करना बहुत आसान है पर उन्हें संजोकर रखना बहुत मुश्किल। तो क्या फैसला किया है आपने? कमरे में सामान रखवा दूं आपका? आराम से यहीं रहिए, किटी पार्टी कीजिए। सोनल, क्यों शर्मिंदा कर रही हैं भाभी? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं भी कितनी ना समझूं, अपने पति को ही नहीं समझ पाई। आप नहीं होती तो शायद आज मैं अपने घमंड के आगे अपना सबसे अनमोल रिश्ता खो देती। थैंक यू सो मच भाभी, आप दुनिया की बेस्ट भाभी हो। आरती, अरे बस बस दीदी, आपकी इसी मासूमियत भरी बातों से तो जीजा जी आपकी हर गलती नजरअंदाज कर देते हैं। सोनल, अब कोई गलती नहीं करूंगी, आपकी तरह अपनी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाऊंगी। आरती, ये हुई ना बात, वो देखिए आपको कैसे देख रहे हैं जीजा जी। गेट पर खड़े सोनल झेप गई। तब तक अशोक और उसके पिताजी भी आ गए। पिताजी बोले, अरे श्यामा, ये क्या हो रहा है, दामाद जी आए और तुरंत चल दिए? श्यामा जी, कुछ नहीं, बस आज कुछ रिश्ते पक्के हो चुके हैं, किसी के संस्कारों ने आज एक घर बर्बाद होने से बचा लिया। श्यामा जी आज आरती को पूर्ण रूप से अपना चुकी थी। दोनों सास बहू एक दूसरे से लिपटकर सालों के अपने रिश्ते का प्रेम रूपी माला में पिरो चुकी थी। श्यामा जी के मुंह से बस इतना ही निकला, हे ऊपर वाले, मेरी आरती जैसी बहू सबको देना। आरती भी अपनी सास को देखती रह गई। जिस प्यार के लिए वो बरसों से तरसती आई थी, आज वो उसकी झोली में था। आरती ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। आज आरती बहुत खुश थी। धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए।